ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है वरुण एंड स्वागत है आप सभी लोग का इस डेड चैनल पे जिसका नाम है आयरन प्लेस। ये जिंदा है? इसी का देखो, ये जिंदा है। वेल, आई एम श्योर कि तुम में से काफी लोग ये सोचते होगे कि यार मैं यूट्यूब पे इतने सारे ब्रेक्स क्यों लेता हूँ। वैसे तो इस चीज का रीजन काफी ज्यादा बड़ा है, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। तो बेसिकली कोई रीजन नहीं है भाई, एक नंबर का आलसी हो रखा है आदमी, और कुछ नहीं। एनीवेज, ये सब तो चलता रहेगा, फिलहाल यार बात करते हैं आज के इस वाले वीडियो की। तो बेसिकली गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं एक काफी इंटरेस्टिंग क्विज गेम जिसका नाम है गूगल फ्यूड। वेल, आई नो कि तुम में से काफी सारे लोगों को गूगल फ्यूड के बारे में डेफिनेटली पता होगा, बट अगर तुम्हें गूगल फ्यूड के बारे में अभी तक पता नहीं था तो खुद को एक बेल्ट मार लो। A few moments later. Anyways guys, बातें बहुत सारी हो चुकी है, तो फटाफट से एंड करते हैं ये बोरिंग इंट्रो बिना किसी इंट्रो के। मेरे को जाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गूगल फ्यूड में, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी काफी सारी कैटेगरीज, कल्चर, पीपल, नेम्स, क्वेश्चंस, एनिमल्स, एंटरटेनमेंट, फूड, ब्ला ब्ला ब्ला। पर यार यहाँ पे अकड़ पकड़ खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चंस मोड, क्योंकि मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है क्वेश्चंस वाली कैटेगरी खेलते हुए, एंड ये इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आहा क्या रहते हैं। तो फटाफट से चलते अपने क्वेश्चंस वाले कैटेगरी में, देखते कि हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, डज द मून हैव। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हर बंदे के दिमाग में आएगी वो है वाटर। तो हम लोग पहले सर्च करके देखते हैं वाटर, क्या लोगों ने वाटर सर्च किया होगा। डेफिनेटली भाई, वाटर तो हर कोई, मतलब वेल आई मीन कि अगर यहाँ पे कोई भी प्लेनेट का नाम लिखा होता तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लोग यही पूछते कि भाई उस प्लेनेट पे पानी है या फिर नहीं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ओके, तो मून पे और क्या हो सकता है? तो मून पे लाइफ हो सकती है, क्या मून पे लाइफ है? ओके, हमारा गैस गलत है, मून पे कोई लाइफ नहीं है। तो क्या नाचो मैं? तो मून पे और क्या हो सकता है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओके, ऑक्सीजन, मेरे ख्याल से ऑक्सीजन इज अ ओके, ऑक्सीजन भी एक गलत गैस है। मतलब लोग समझदार है, मेरे ख्याल से गूगल पे लोग समझदार है, बस मैं ही अकेला डम रह गया लगता है। टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। आई मीन अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया यार, कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं। यार मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है क्या लिखूं मैं यहाँ। ओके, ग्रेविटी, ग्रेविटी, एक सेकंड, क्या मून पे ग्रेविटी है? ग्रेविटी एक बार लिख के देखते हैं। ओके, वेल 9000 और 7000 अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, अभी तो राउंड वन है, एंड हमारे कितने गैसेस हो गए? ओके, हमारे दो गैस ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड दो अभी भी बच रहे हैं, एंड दो चीजें मैंने एकदम करेक्ट गैस कर ली है। लेट्स सी कि और क्या हो सकता है, यार मेरे को समझ नहीं रहा है। मैंने अभी ग्रेविटी तो चलो सोच लिया, क्योंकि मेरे को डोरीमोन का एपिसोड याद आ गया, आई डोंट नो क्यों याद आ गया, बट मेरे को डोरीमोन के एपिसोड से ग्रेविटी याद आई, एंड लेट्स सी कि और क्या हो सकता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मतलब कभी कभी ना मेरे दिमाग में ये चीज भी आती है कि चलो हम लोग मार्स वगैरह पे तो अभी नहीं जा सकते, बट ऑल्दो हम लोग मून के इतने पास है, बट स्टिल हम लोग मून पे क्यों नहीं जाते? आई गेस मून का एटमोस्फियर फ्रेंडली नहीं होगा। एटमोस्फियर, एक सेकेंड प्लीज यार, ये वर्क कर जाए, बट एक सेकेंड, एटमोस्फियर की स्पेलिंग है? ओके, एटमोस्फियर। ओह व्हाट, लेट्स गो भाई, तुम्हारा भाई साइंस लिया था ना यार, इसलिए दिमाग अलग ही लेवल पे काम करता है, समझ रहे हो? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एनीवेज, तो देखो तीन तो हमने यहाँ पे कर लिए है, हमें एक दो और अगर मिल जाए तो उसके बाद, वैसे हमारे अभी दो गैस बचे तो हम लोग दो बार और गलत आंसर दे सकते हैं, बट स्टिल ये पॉइंट तक मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है, एंड देखते हैं यार कि और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक और मैं वाइल्ड गैस करते हुए, आई होप दिस वर्क्स, एंड यस इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। भाई ये तो बहुत गजब तुक्का था यार, मैंने ये चीज तो बस ऐसी लिख दी कि मुझे लगा कि शायद हो सकता है, मैं एयर लिखने वाला था, बट चलो नेवर माइंड। मतलब जबकि हमारे पास दो गैस बचे हैं तो हम लोग एयर भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग एयर के बारे में भी सर्च। ओके, तो नहीं नहीं इतने डम्ब नहीं है लोग, वरुण इतने डम्ब नहीं है। चलो टू बी रियली ऑनेस्ट, अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है यार, तो आई गेस मैं एक और अपना लास्ट गैस वेस्ट करता हूँ, एंड लेट मी थिंक ऑफ इट।
देखो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो जब हमारे यहाँ दिन होता है तब हमारे हमें सन दिखता है, एंड जब हमारी इधर रात होती है तब हमें मून दिखता है। अच्छा, तो क्या मून पे भी यही सिस्टम लागू होता होगा? एक गैस से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी हमने बहुत पॉइंट्स निकाल लिए यार, अभी कोई गम नहीं अगर हार भी जाते हैं तो। ठीक है समझ गया। Does the moon have the... Okay, that was a wrong guess and let's see. ओ भाई देखो मैं एकदम सही कह रहा था। Does the moon have day and night? And चलो पॉइंट्स कम थे बट स्टिल यार ये काफी अच्छा आंसर हुआ रहता। अच्छा And does the moon have a name? भाई moon का नाम ही तो moon है I guess, but I don't know क्या था ये चीज। Okay, तो ये वाले round में हमारे हुए पास है 29,000 और हमारे 29,000 points हो चुके हैं, तो और round one था ये, तो चलते हैं यार बड़ा-बड़ा से round two की तरफ। चलो चलो चलो। All right guys, तो यहाँ पे आ चुके हम लोग round two में और हमारा question है what are the chances of another के, तो ये एक kind of disastrous क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें जा सकती है जिनके बारे में मैं शायद नहीं सोच सकता। मगर क्यों? मेरे ख्याल से अर्थक्वेक के बारे में लिखना इज गुड। ओके, अर्थक्वेक इज नॉट द आंसर, ठीक है भाई, बट मेरे हिसाब से अर्थक्वेक होना चाहिए था। अभी यार रशिया यूक्रेन के बारे में अगर मैं सोचूं तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर? एक बार हम वर्ल्ड वॉर पे भी अपनी बेट लगा के देख लेते हैं, क्या पता काम कर जाए। ओके लेट्स गो। काफी लोगों ने, मेरे ख्याल से ये अभी के ही लोग है जो जिन्होंने रशिया एंड यूक्रेन वाला चीज देख लिया है ना, वो लोग ही सर्च कर रहे होंगे कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर, भाई कब हो जाए क्या पता, अंडरग्राउंड होना पड़ जाए। कुछ भी भाई। यार मैं बाकी लोगों को देखता था, उनको इतने सिली सिली क्वेश्चंस आते थे, मेरे को इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों मिला है जिसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। ओके वरुण सोच, कुछ तो सोच भाई, 5,000 पॉइंट्स के साथ मैं गिव अप नहीं करने वाला, एटलीस्ट 10,000 तो होना मेरे को। चुप हो जा सातवीं फेल। ओके मेरे को एक चीज दिमाग में आ रही है, लेट्स ट्राई दिस पैंडेमिक, आई होप दिस वर्क्स। ओके भाई साहब यहाँ पे हमें तो सीधा 10,000 पॉइंट्स मिल गए, बस भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ क्योंकि देखो यार मेरे को पता ही नहीं इसके आगे क्या लिखना है, क्योंकि व्हाट आर द चांसेस, देखो दो चीज मेरे दिमाग में आई, एक थी पैंडेमिक एक था वर्ल्ड वॉर, एंड मैंने वो दोनों चीज कर ली, अब मेरे को समझ नहीं रहा है कि आगे और क्या हो सकता है। ठीक है समझ गया। तो लेट्स सी कि लोगों ने क्या देखा है और क्या लोगों ने सर्च किया है ऑन गूगल। ओके तो लोगों ने यहाँ सर्च किया व्हाट आर द चांसेस ऑफ अनदर ग्रेट डिप्रेशन रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? व्हाट आर द चांसेस ऑफ अनदर अर्थ? ओके ठीक है, लेजिट क्वेश्चन, लेजिट क्वेश्चन। बाकी सब मैं ऑब्वियसली गेस नहीं कर पाया रहता, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। एंड यहाँ पे हमारा स्कोर हो चुका है 44,000, यू नो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बेसिकली हमारा क्वेश्चन है इज देयर अ लॉ अगेंस्ट। अब यहाँ क्या हो सकता है आई हैव नो आइडिया, बट एक चीज है जो मैं ट्राई करना चाहूंगा पर्सनली, वो है चाइल्ड लेबर। ओके चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट देयर इज नो लॉ, मतलब होगा लॉ बट यहाँ लोगों ने सर्च नहीं किया है, ये फंस गया सी है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मेरे को समझ नहीं रहा है कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दो से तीन चीजें लिख दी है एंड दे वर टोटली रॉन्ग, जबकि मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था। तो चलो यार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, गेमिंग। तो यहाँ पे इज देयर अ लॉ अगेंस्ट ड्राइविंग बेयरफुट, प्राइस गॉगिंग गॉजिंग, मैरिंग योर कजन। मैं इसलिए कुछ नहीं लिखना चाह रहा था, मुझे लगा कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट राउंड में हमें मिले 29,000 एंड सेकंड राउंड में हमें मिले 15,000 एंड थर्ड राउंड में हमें मिला 0 अंडा, एंड हमारे पास अभी है 0 गैसेस, स्कोर है 44,000। काश गूगल फ्यूड हमें पैसे देता इस पॉइंट्स के बदले, बट कोई ना। एनीवेज गाइस, दो यार आज के इस वाले वीडियो में मेरे को यार डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आया एंड मैंने कभी सोचा नहीं था गूगल फ्यूड इतना फन होगा। एनीवेज गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार 60K से 58K आ गए एंड मेरे को काफी बुरा लग रहा है। तो इसलिए गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइस सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए आयरन प्लेस। गुड बाय।